नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर का स्वागत है भाई आपके अपने YouTube चैनल वंदे मातरम एकेडमी सार में। पिछली क्लास में भाई हम पढ़ रहे थे नल और टंकी यानी पाइप और सिस्टम के बारे में, जिसमें हमारी एक क्लास पूरी हो चुकी है भाई। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं इसके बिल्कुल बेसिक से बेसिक क्वेश्चन और थोड़े ठीक लेवल के क्वेश्चन। आज की क्लास में हम उसी टॉपिक को आगे के लिए पढ़ेंगे भाई, ठीक है। वहीं से हम जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहे हैं, सेम उसी टाइप से हम पहला क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ आपकी दिवाली जो है भाई बहुत अच्छी गई होगी और ग्रुप डी की जो आंसर की है वो भी आ चुकी है भाई। तो जिसके 70 के प्लस बन रहे हैं जनरल में वो बच्चा सिलेक्टेड है भाई, जिसके 70 प्लस होंगे वो बिल्कुल आसानी से सिलेक्ट हो जाएगा, और जो 60 वाला है 65 वाला है वो बिना घबराए भाई उसका भी सिलेक्शन होगा। लेकिन अब नहीं, जैसे कि पिछले ग्रुप डी में हुआ था भाई, 6 से 7 बार उसकी वेटिंग लिस्ट लगी थी, ठीक है। आप सभी ने देखा होगा 6 से 7 बार वेटिंग लिस्ट लगी थी, क्यों? क्योंकि देखो ग्रुप डी में भर्ती हो गया, उसके बाद वो क्या करेगा, सी में भर्ती होने के बाद वो बच्चा डी को छोड़ देगा, वो पोस्ट खाली होगी, वो किसके लिए, वो आपके लिए है, ठीक है। तो इसी तरह आप भी मतलब अपनी आशा को डाउन ना करें कि मैं लगा नहीं, ये नहीं हुआ, आपका नंबर आएगा, थोड़ा टाइम रुको बस, ठीक है। चलो भाई आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा भाई, दो नल ए व बी एक टंकी को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, तीसरा नल सी उसी भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है 10 मिनट में, ए और बी नल को एक साथ खोल दिया जाए और 4 मिनट के बाद नल सी को खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। देखो मैंने आपको जैसे बताया था कि ये जो टॉपिक है ना ये भी हमारा काम और समय की तरह ही है भाई। जो काम और समय नहीं, वर्क एंड टाइम जो अपना टॉपिक था उसमें क्या था कि दो बंदे सिर्फ काम कर रहे हैं, इसमें नल क्या कर रहे हैं टंकी को भर रहे हैं, सेम बात है। लेकिन अलग मैंने आपको बताया था कि इसमें सिर्फ एक बात होगी, वो कौन सी, कि जो खाली करने वाला नल है हमारा नल सी, जैसे कि जो इस क्वेश्चन में आया अपना कौन सा भाई नल सी है जो ये रहा, ये कौन सा है खाली करने वाला, ठीक है। यही हमारा इस टॉपिक में थोड़ा अलग आएगा। इसके लिए मैंने आपको सबसे अच्छी एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले हम चाहे खाली करने वाला हो या भरने वाला हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, एक एलसीएम लेंगे, और एलसीएम का मतलब हमारा क्या होगा, टंकी की अक्षमता, हम उसी को मान के चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम देखो भाई हमारा ए बी व सी, तीन नल है, नल सी जो है वो कौन सा है भाई, खाली करने वाला है। ए और बी कितने मिनट में भरते हैं भाई, एक 20 में और दूसरा 30 में, नल जो सी है वो 10 मिनट में खाली कर सकता है। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तीनों का, देखो नल है चाहे खाली कर रहा हो चाहे भर रहा हो, तीनों का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम क्या आएगा भाई 20 30 और 10 का आएगा एलसीएम 60। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब भी हमें एलसीएम लेना हो 2 डिजिट हो हमारे पास, 3 डिजिट हो, कितनी भी हो, उनमें अगर लास्ट में आ रहा है 0 0 को हटाओ आपस में गुणा कर दो, वही हमारा क्या होगा एलसीएम होगा। जैसे इसमें क्या करेंगे, 3 और 0 को हटा दो, 3 2 6 आगे एक आ गया बिल्कुल लास्ट में, फिर 0 लगा तो क्या आ गया 60, क्या आ गया हमारा एलसीएम, यानी कि 60 लीटर की क्या है हमारी टंकी है भाई। उसके बाद देखिए 20 दिया 60, 30 दूनी 60 और 10 छिका 6, ये 6 आएगा माइनस का, माइनस क्यों भाई, ये क्या है खाली करने वाला है भाई हमारा, क्या करने वाला है ये हमारा जो है वो खाली करने वाला है, ठीक है। ए और बी हमारे कौन से हैं भाई, भरने वाले हैं। अगर मैं इसी बात को बोलूं कि ए प्लस बी प्लस सी मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि तीनों नलों को जब एक साथ चलाया जाएगा तो क्या होगा भाई, 6 लीटर तो खाली होगा और 5 लीटर इसमें डल रहा है, यानी कि माइनस का 1 लीटर आएगा भाई, कितना आएगा माइनस का 1 लीटर, ठीक है भाई। दोस्तों इसमें क्या आएगा माइनस एक लीटर क्यों, क्योंकि 5 लीटर टंकी के अंदर आया, देखो 3 लीटर डाल रहा है ए, बी कितना डाल रहा है भाई 2 लीटर, 5 लीटर जो है वो हमारा टंकी के अंदर आया और 6 लीटर वो जो टंकी से बाहर निकल रहा है, तो माइनस के में क्या जाएगा 1 लीटर, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं, मैं क्वेश्चन में क्या बोला कि 4 मिनट ए और बी को खोल दिया जाए, कितनी देर 4 मिनट, देखो 1 मिनट में कितना भर रहे हैं भाई 5 लीटर, ए प्लस बी 5 लीटर भर रहे हैं 1 मिनट में, 4 मिनट में कितना भर देंगे भाई 20 लीटर, ठीक है भाई 4 मिनट में कितना भर देंगे 20 लीटर भर देंगे। और अभी हमने यहां से क्या चीज फाइंड आउट की कि जो 1 लीटर है वो कितनी देर में माइनस हो रहा है भाई 1 मिनट, कितनी देर में माइनस हो रहा है 1 मिनट में, 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकल रहा है भरी हुई टंकी से, 20 लीटर हमें निकालना है, 20 क्यों, क्योंकि देखो 7 में यह चल रहा है, इसने भर दिया शुरू में कितना 20 लीटर, बाद में इसने ये निकाल कि ए और बी को बंद कर देंगे, ए और बी तो चलता रहेगा, ठीक है ए और बी चलता रहेगा, लेकिन साथ में कौन सा खोल दिया जाएगा सी खोल दिया जाएगा, सी का क्या काम होगा भाई, देखो सी माइनस में लेके जा रहा है इसको, तो सी का यहाँ क्या काम है, सीधी सी बात है कि जो पानी भरा हुआ है वही कम करेगा, जो साथ के साथ भर रहे हैं वो तो कम हो ही रहा है,
और जो माइनस एक आदमी एक और सी निकाल सकता है वो कौन सा निकालेगा जो इन्होंने पहले भर दिया। तो एक मिनट में कितना निकलेगा, एक लीटर कितनी देर में निकलेगा भाई, एक मिनट में। और सेम चीज करते हुए अगर हमें 20 लीटर निकालना कितनी देर में निकल जाएगा भाई, 20 मिनट। देखो बिल्कुल आसान सा बच्चा सा टाइप क्वेश्चन बना दिया हमने, ठीक है। एक तो क्वेश्चन बड़ा देख के घबराना नहीं है भाई, सबसे पहला अपना दिल्ली पुलिस का पेपर भी आ चुका है, दिल्ली पुलिस में ऐसे टाइप देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। दिल्ली पुलिस के लिए दिल्ली पुलिस का पेपर अभी 14 से स्टार्ट हो गया, शायद 5 दिसंबर तक चलेगा, तो उसके लिए आप सभी को भी बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए भाई हमने क्या किया था, ए बी और सी तीन नल है, सी खाली करने वाला है, ए और बी कौन से है भाई भरने वाले नल है, ए और बी डाल रहे हैं 3 और 2 5 लीटर, सी खाली कर रहा है 6 लीटर। सीधी सी बात है कि खाली करने वाला है नल उसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है, और भरने वालों की स्पीड क्या है भाई, कम है। उसके बाद अगर ये खाली कर रहा है वो भर रहे हैं, कितना माइनस में जा रहा है, एक लीटर, एक लीटर कितनी देर में, एक मिनट में। उसने क्या बोला कि 4 मिनट जो है ए और बी को खोल दिया जाए, 4 मिनट कुछ ना कुछ पानी भरेगा भाई, सी बंद है तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी भरेगा, पानी भर गया 20 लीटर हमारा। 20 लीटर पानी भरने के बाद अब इसने क्या बोला कि जो नल सी है वो इस भरे हुए पानी को कितनी देर में खाली कर देगा, सीधी सी बात यही बोल रहा है, एक लीटर खाली कर रहा है एक मिनट में, 20 लीटर खाली कर देगा 20 मिनट में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है भाई। पूरा मैथ मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि हम करेंगे बिना किसी भी फार्मूला के, सभी के सभी, बस एक मैं हर एक चैप्टर के साथ आपको एक ट्रिक दूंगा, जैसे कि इस चैप्टर में मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या लेना है भाई, एलसीएम लेना है, वर्क एंड टाइम में मैंने आपको यही टाइप बताई थी, एलसीएम लो। इसमें भी मैंने आपको यही बताई है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, हमें नल का पता चल जाएगा कितना डाल रहा है कितना निकाल रहा है, टंकी की अक्षमता यानी टंकी की धारिता का हमें पता चल जाएगा कि टंकी के अंदर कुल कितना पानी आ सकता है, ठीक है। दोस्तों करते हैं अगला भाई, ए और बी दोनों नल एक टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं, बी अकेला उस टंकी को 20 घंटे में भरता है, ए अकेला उस टंकी को कितने घंटों में भरेगा। देखो ए प्लस बी यानी सबसे पहले में किसके बारे में दिया गया भाई, दो नलों के बारे में, दोनों नल एक टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। बी अकेला उसी टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं, सबसे पहले इसका हम क्या लेंगे भाई, पहला प्रोसेस हमारा यही रहेगा सारे के सारे क्वेश्चनों में कि सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम, और एलसीएम होगा हमारा 60, 12 पंजे 60 और 20 किया 60, ठीक है। अब देखो जब दोनों चल रहे हैं तो कितने एक घंटे में कितना पानी डाल रहे हैं भाई, 5 लीटर, अकेला भी चल रहा है तो 3 लीटर, यानी कि मैं बोलूं ए प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा 5 - 3 बराबर 2 लीटर, 2 लीटर कौन डालेगा, ए डालेगा भाई, कितना 2 लीटर, टंकी कितने की है भाई 60 लीटर की, एक घंटे में डाल रहा है 2 लीटर पानी, भरना है 60 लीटर, तो सीधी सी बात है भाई 60 लीटर भरना है, घंटे में डाल रहा है 2 काट दो कितना आ गया 30, यानी कि सीधी सी बात हमारा उत्तर क्या आएगा 30 घंटे में जो नल ए है वो टंकी को भर देगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलो करते हैं अगला भाई, ये देखिए अगला, तीन नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 8, 12 व 24 घंटों में भरते हैं, इन नलों को क्रमशः 7, 8 व 9 बजे खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने बजे भर जाएगी। देखो ये अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन है भाई इसी का ही, इसमें क्या दिया है कि एक साथ नहीं चलाया, कब चलाया, अलग अलग टाइम पे चलाया, इसको देख के घबराना नहीं है भाई, जो अपना काम और समय में था, एक दिन उसने काम किया, फिर एक दिन उसने किया, फिर एक दिन उसने किया, फिर तीनों ने साथ किया, सेम हम वही चीज यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों, सेम वही, कुछ भी अलग नहीं है। देखो काम और समय, नल और टंकी एक दूसरे के भाई बहन है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मिलते जुलते चैप्टर हैं, बिल्कुल एक साथ काम करेंगे ये, ठीक है। इसमें देखना अभी आप ए बी और सी, सबसे पहला जो हमारा काम है हम वही करेंगे 8, 12 और 24, ए बी और सी एक टंकी को क्रम से 8, 12 व 24 घंटों में भरते हैं, ठीक है भाई, भर दिया। उसके बाद एलसीएम लो भाई, एलसीएम कितना आएगा भाई 24, इनका एलसीएम आएगा 8 + 24, 12 + 24 और 24 = 24। सबसे पहले क्या होगा, देखो सबसे पहले नल कौन सा चलेगा भाई, ए नल चलेगा, कितने बजे भाई 7 बजे, कितना पानी भर देगा भाई 7 से 8 के बीच में 3 लीटर, कब से कब तक है 7 से
8 बजे। देखो मैं बताऊं भाई आपने कि बिल्कुल आपा ने बिल्कुल से बिल्कुल की देसी तरीके होते हैं ना जो वो यूज कर रहे हैं बिल्कुल भी किसी भी मैथमेटिकल फार्मूले पे मिल जाना। 7 बजे लग गया भाई, 8 बजे तक एक घंटे में कितना भर सकता है, 3 लीटर, 3 लीटर भर दिया। उसके बाद 8 से 9 के बीच कौन होगा, देखो ए प्लस भी हो जाएगा भाई क्योंकि ये तो पहले ही चल रहा है। कितने बजे चला था ये, 8 बजे, ये कितना भर देंगे भाई, 5 लीटर, कितने से 8 से 9 के बीच। अब देखो पानी कितना भरा गया भाई, पानी भरा गया 8 बजे, कितने बजे तक, 9 बजे, और 9 बजे है वो कौन से स्टार्ट हो गए भाई, 9 बजे 3 नौ स्टार्ट हो गए, 9 बजे कौन स्टार्ट हो गए, 3 9 3 2 5 और 1 6 लीटर पानी भरा जाने लग रहा है। किस किस के द्वारा, ए प्लस बी प्लस सी, कितना पानी भर रहे हैं भाई, 6 लीटर पर आवर, 6 लीटर प्रति घंटा पानी भर रहे हैं। 9 बजे से पहले हमारा कितना पानी भर चुका भाई, 8 लीटर, और हमें भरना कितना है, 24 लीटर। तो यानी शेष कितना रह गया भाई, टंकी खाली कितनी है, 16 लीटर की टंकी जो है वो हमारी क्या है भाई, खाली है टंकी, ठीक है। अब 6 लीटर एक घंटे में भर रहा है, भरना कितना है भाई, 16 लीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो 16 भाग में 6 यही करेंगे भाई, 2 पे काट दो, 2 पे काटोगे ऊपर आएगा 8, कितना टाइम लेगा भाई, 8/3 घंटे। अब घंटे को बदलना है मिनट में, ठीक है भाई, घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे, किससे गुना कर देंगे, 60 से गुना कर देंगे भाई, कर दो 8/3 × 60 × 1 = 3 20 पे 20 अट्ठा क्या आ गया भाई, 160 मिनट। और 160 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 घंटे 40 मिनट, क्योंकि 2 घंटों में कितना होगा भाई, 120 मिनट और 40 मिनट। अब 2 घंटे 40 मिनट हमारा उत्तर नहीं आएगा भाई, 2 घंटे 40 मिनट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 9 बजने के बाद इसने कितना टाइम लगाया, 2 घंटे और 40 मिनट। अब ये कोई भी नहीं बोला कि 7 बजे, 7 बजे क्यों भाई, क्योंकि आप जैसे कि स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ोगे, रेलगाड़ी पढ़ोगे, उसमें भी क्या होता है कि लास्ट का जो टाइम होता है ना हम उससे काउंट करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे लास्ट का टाइम क्या था हमारा, 9 बजे का, यहाँ भी देखिए कितने बजे का, 9 बजे का, 9 बजे में ऐड करेंगे हम कितना, 2 घंटे और 40 मिनट, ठीक है। अभी 9 बजे थे भाई, 9 + 2 = 40 करेंगे हम, क्या आएगा, 11:40 पे हमारा टैंक है जो पानी का वो फुल भर जाएगा भाई, 11:40। तो पूरी टंकी कितने बजे भर जाएगी, 2 घंटे 40 मिनट इसमें ऑप्शन में दे रखा है भाई, ये तो टाइम आएगा लेकिन सही टाइम हमारा क्या आएगा, 11:40, ये ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया शायद, क्योंकि 2 घंटे 40 मिनट किसका दिया इसने, जिसमें पूरी टंकी भर जाएगी, कितनी, जो टाइम लगेगा वो कितना है, 2:40, और टाइम क्या होगा उस टाइम पर, 11:40। 2 घंटे 40 मिनट टंकी भरने में समय लेगी और 11:40 पर टंकी हमारी पूरी की पूरी भर जाएगी, ठीक है भाई। करते हैं अगला देखिए दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी, 3 नल एक टंकी को क्रम से 10, 15 और 30 घंटे में भरते हैं, इन तीनों नलों को क्रम से 8, 9 और 10 बजे खोल दिया जाता है, तो पूरी टंकी कितने बजे बाहर, यहाँ पे बाहर नहीं आएगा, भर आएगा, भर जाएगा। देखो सेम टाइप जैसी हमने पिछले की है वही टाइप की है, सेम एज की, कोई भी फर्क नहीं है, थोड़ा सा मामूली सा भी, इत्तू सा भी, ये बोलते हैं ना बच्चे की इत्तू सा फर्क भी नहीं है भाई, ठीक है। देखो अभी ए बी वैसे 3 नल है भाई, 10, 15 और 30 एलसीएम ले लो सबसे पहले, एलसीएम आएगा 30, 3, 2 और 1, ठीक है भाई। पहले नल को खोला, देखो ए को खोला कितने बजे भाई, 8 बजे, सेम टाइप जो पिछला आपने किया है भाई सेम है बिल्कुल, थोड़ा सा इतना सा भी फर्क नहीं है, ठीक है। 8 बजे खोल दिया भाई, ठीक है, पानी कितना भर देगा भाई, 3 लीटर भर देगा भाई, कितने से, 8 से 9 के बीच में। उसके बाद ए प्लस बी हो गया भाई, ए प्लस बी कितना भर देगा, 3 और 2 = 5 लीटर भर देगा भाई, ए प्लस बी था वो कितने बजे शुरू हो गया भाई, 9 बजे, ये कितना भर देगा भाई, 5 लीटर भर देगा, कितना, 9 से 10 बजे तक। अब 10 बजे देखो कितना शुरू हो गया, 10 बजे हो गए, 3 नौ शुरू हो गए, ए प्लस बी प्लस सी कितने बजे शुरू हो गए भाई, 10 बजे शुरू हो गए,
अब इन जो दोनों ने था तीनों के सर होने से पहले कितना पानी भर दिया भाई, 8 लीटर पानी कितना बच गया, देखो टोटल थी 30 लीटर की, भर कितना दिया 8 लीटर, बच के कितना खाली कितना बच गया 22 लीटर हमारी टंकी है जो वो शेष खाली बची हुई है। ठीक है भाई, 22 लीटर की टंकी अभी खाली है, भर कितना रहा 3, 2, 5 और 1 6 भर रहा है, कितना भर रहा है भाई 6 भर रहा है, 10 बजे से स्टार्ट हुआ है, 22 लीटर खाली है, 1 घंटे में कितना भर रहा है भाई 6 लीटर पर आवर भर रहा है, कौन भर रहा है A+B+C तीनों के तीनों मिलके 1 घंटे में कितना भर रहे हैं 6 लीटर भर रहे हैं, भरना कितना है 22 लीटर, भाग कर दो 22 को 6 से भाग करोगे भाई क्या आएगा 11/3 को हम गुना कर देंगे किससे 60 से, 60 से गुना करने के बाद आएगा 220 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 180 पे हो गया 3 घंटे 40 मिनट 3 घंटे 40 मिनट। ठीक है भाई, कितना टाइम लगेगा 3 घंटे 40 मिनट लगेंगे किसको भरने में, टंकी को पूरी को भरने में। ठीक है भाई, 3 घंटे 40 मिनट टाइम, 3 घंटे 40 मिनट क्यों लेंगे क्योंकि तीनों कितने बजे शुरू हुई है 10 बजे। ठीक है, 10 बजे शुरू होंगी, 3 घंटे 40 मिनट ऐड करो, 10+3 घंटे 40 मिनट, 10 में 3 ऐड करोगे आएगा 1, यानी कि सही समय क्या होगा 1:40, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। ठीक है, 1:40 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखो सेम जो टाइप हमने पिछली की थी सेम टाइप यही है, कोई थोड़ा सा भी फर्क नहीं है, जो हमने बिल्कुल इससे पिछला क्वेश्चन किया था सेम यही क्वेश्चन है, बस किस चीज का फर्क है इक्वेशन का फर्क है थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई करते हैं अगला, एक नल ए एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी 50 लीटर प्रति घंटा पानी भरता है, दोनों नलों को एक साथ खोलने पर टंकी 12 घंटे में भर सकते हैं, तो टंकी की क्षमता क्या होगी। देखो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा किस चीज के लिए, SSC GT दिल्ली पुलिस, आप इन दोनों में आपको देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं भाई, ये जो क्वेश्चन आपको बहुत 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 जरूरी है करना। ठीक है, आप देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही आसान है, जो हमने पिछले टाइप के क्वेश्चन किया ना उनसे भी आसान है, बिल्कुल आसान टाइप है ये। ठीक है, बस इसको देख के घबराना नहीं, लैंग्वेज का फर्क होता है इसमें सारा का सारा, इसी के अंदर जैसे ये टंकी की क्षमता वाला क्वेश्चन है ना, इसके अंदर भी 3 या 4 टाइप से क्वेश्चन देता है अलग अलग टाइप से, इसमें क्या कर रहा है दोनों भर रहे हैं, दोनों नल भर रहे हैं, एक में क्या होगा 3 नल होंगे, 2 भर रहे होंगे, खाली करने वाला होगा, 1 भर रहा होगा, 1 खाली करने वाला होगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए हम किसको करते हैं भाई, अभी एक नल एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, ए 30 घंटे में भाई, और A+B के बारे में भी दिया इसने, A+B के बारे में क्या दिया कितनी देर में 12 घंटे में, सबसे पहले क्या लोगे LCM लोगे क्या आएगा 60, 30 × 2 = 60 और 12 × 5 = 60। अब देखो भाई A+B दोनों चल रहे हैं कितना भरा है 1 घंटे में 5 लीटर और अकेला ही चल रहा है तो 2 लीटर, यानी कि A+B - A किसके बराबर होगा भाई 5 - 2, अकेला भी कितना भरेगा भाई 3 लीटर, अकेला भी कितना भरेगा भाई 3 लीटर भर रहा है कितनी देर में 1 घंटे में। टंकी कितने की है भाई, टंकी कितने की है 60 लीटर की भाई। ठीक है, टंकी 1 लीटर भरेगा कितनी देर में 1/3, 60 लीटर की टंकी है 60 लीटर भरेगा कितनी देर में भाई 1/3 × 60 कितना आ गया 20, यानी कितनी देर में भर देगा भाई 20 घंटे में भाई 20 घंटे में किसको भर देगा ये टंकी को भर देगा। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ इसने पूछा क्या है, टंकी की क्षमता बताओ, अब ये 20 घंटे में तो भर देगा, हमें बताएंगे क्या है टंकी की अक्षमता, अक्षमता का पता करने के लिए देखो ये जो चीज हमने अभी करी है ये हम बिल्कुल पहले कर चुके हैं, स्टार्टिंग से हम इसी चीज को कर रहे हैं। अब इसमें क्षमता पता करने के लिए कि 20 घंटे में भर देगा, अब एक बात क्वेश्चन पे आओ, दूसरा नल भी 50 लीटर प्रति घंटा, ये चीज पढ़ो 50 लीटर प्रति घंटा पानी भरता है, 1 घंटे में कितना पानी भरता है 50 लीटर और कितनी देर में भरेगा 20 घंटे में, तो आप 50 को 20 से गुणा कर दो, 50 × 20 कितना आ गया 1000 लीटर की हमारी क्या होगी भाई टंकी होगी, गुणा क्यों किया देखो ये कह रहा है कि भाई 20 घंटे में भरेगा, कितनी देर में भरेगा भाई 20 घंटे में, लेकिन 1 घंटे में पानी कितना भर रहा है
50 लीटर, तो 20 को और 50 को आप गुना कर दोगे, हमारा जवाब हमारे सामने होगा कितना भाई, 1000 लीटर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, बस फर्क इस बात का कि लैंग्वेज थोड़ी घुमा के भी दे देगा, आसान दे देगा। लैंग्वेज से ही क्वेश्चन टफ और आसान होता है भाई, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हमसे लैंग्वेज का फर्क है, ये घंटे में इतना भरता भर देगा, अभी क्या दिक्कत है। अगर हमें यह पता है कि इतने टाइम में भर रहा है तो 1 घंटे में भरे, खाली करे, कुछ भी करे, टाइम से बस आपको जो भी क्षमता देगा उससे टाइम को आपको क्या करना है भाई, गुणा करना है। ठीक है, चलिए करते हैं अगला भाई। देखिए अगला, दो नल ए और बी अलग अलग एक टंकी को क्रमशः 10 व 30 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल सी 60 लीटर प्रति घंटा पानी भरता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 5 घंटे में भर सकती है, तो टंकी की क्षमता क्या होगी। देखिए मैंने जैसे आपको पिछले क्वेश्चन बताया भाई, अब नल कितने हो गए, 3 हो गए, पिछले में कितने थे 2, अब कितने हैं 3। ठीक है, पिछले में 2 थे अब 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं है, सेम चीज देखो, ए बी और ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए कितने देर में भर रहा है भाई, 10 घंटे, बी 30 घंटे, और तीनों से एक साथ चले तो 5 घंटे, एलसीएम ले लो, कितना आ गया एलसीएम आ गया 30। ये कितना भरेगा भाई, 10 दिया 30 भाई, 10 दिया 30, 30 एकम 30 और 5 6 30। देखो 3 और 1 4 कौन भर रहे हैं भाई, ए और बी, और तीनों से भरे जब कितना भर रहा है 6, तो इसका मतलब सीधा सा क्या होगा, सी हमारा कितना भरेगा भाई 2 लीटर। सी कितना भरेगा भाई 2 लीटर, क्योंकि 3 ये भर रहा है भाई, 1 ये भर रहा है, 4, तीनों से भरे तब कितना भरा जा रहा है 6, तो जो बचेगा वो कौन भरेगा भाई, सी भरेगा, सी ने कितना भर दिया 2 लीटर। ठीक है, अब आगे कि 60 लीटर प्रति घंटा, इस चीज की तरफ ध्यान दोगे, 1 घंटे में कितना भर रहा है भाई 2 लीटर, 2 लीटर भर रहा है कितनी देर में, 1 घंटे में 1 लीटर कितनी देर में भरेगा भाई, 1/2 घंटा, भरना कितना है 60 लीटर, 60 लीटर के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 × 60 कर दो, कितना आ गया 30, यानी कि 30 घंटे में जो नल सी है वो इस टंकी को भर देगा। देखो सेम चीज जो आपने पिछले क्वेश्चन में की थी ना, सेम चीज इसमें की है, 3 नल है भाई, ए बी और ए प्लस बी प्लस सी, सी के बारे में मैंने ये नहीं दिया कि भाई सी इतनी देर में भर देगा, सी इतनी देर में खाली कर देगा, ए 10 घंटे में, बी 30 में, तीनों मिलकर 5 हो, एलसीएम आ गया अपना 30, ये 3 लेगा भाई, ये 1 लेगा, ये 6। एक बात तो ये 3 भर रहा है, ये 1 भर रहा है, तीनों मिलके भर रहे हैं 6, बच गया कितना 2 लीटर, 3 और 1 4 6 था भाई 2 लीटर बच गया, वो कौन भरेगा भाई सी कितनी देर में, 1 घंटे में, सी 2 लीटर भरेगा 1 घंटे में, 1 लीटर भरेगा 1/2 घंटे में, 7 लीटर भरेगा 30 घंटे में। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्या बोला उसने भाई 30 घंटे में भर रहा है, ठीक है भाई 2 लीटर थी, 60 लीटर नहीं सॉरी भाई 30 लीटर भर रहा है, 30 मिस्टेक होगी भाई, 30 लीटर भरना है, 30 के लिए भर देगा 15 घंटे में, 30 लीटर भरना है इसको, 60 नहीं भरना, यहाँ पे हमारा एलसीएम 30 है, तो 30 लीटर भरेगा भाई, 30 लीटर कितनी देर में भरेगा, 1/2 × 30 क्या आ गया भाई 15 घंटे। ठीक है भाई 15 घंटे में भर देगा, 15 घंटे में भरा, अगर 1 घंटे में कितना भरा भाई 60 लीटर, तो 15 × 60 की गुणा कर दो, 15 × 60 15 × 6 90 क्या आ गया 900 लीटर की हमारी क्या होगी भाई टंकी होगी 900 लीटर, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, देखो सेम टाइप के थे, एक नल था, 2 बरन लगे थे भाई पिछले में, इसमें कितने हैं 3 नल हैं, 2 आंक बारे में बताया गया, तीसरे की क्या दी गई है अक्षमता दी गई है कि इतने टाइम में भर देगा, इतने टाइम में खाली कर देगा। ठीक है भाई करते हैं अगला, देखिए दो नल ए, एक नल ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी 50 लीटर प्रति घंटा पानी बाहर निकालता है, दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 10 घंटे में भर जाती है, तो टंकी की क्षमता क्या होगी। देखो भाई इसमें क्या दिया है, इससे पिछले से पिछला जो क्वेश्चन था, दो नल थे सेम यही बात थी, और भी लेकिन पानी निकालने की जगह इसकी बात थी, पानी भरने की बात थी, पानी वो क्या कर रहे थे भर रहे थे कुछ ना कुछ टंकी के अंदर डाल रहे थे, ये क्या कर रहा है भाई जो बी है 50 लीटर प्रति घंटा पानी क्या कर रहा है ये निकाल रहा है टंकी के अंदर से, क्या कर रहा है भाई निकाल रहा है, यानी भरी हुई टंकी को क्या कर रहा है ये खाली कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखो सेम पहले तो हमारी यही चीज रहेगी ए और ए प्लस बी,
ये 6 घंटे में भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अभी भर जाएगा 6 घंटे में। दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 10 घंटे में भर जाए, कोई दिक्कत नहीं। अभी एलसीएम ले लो, सबसे पहले एलसीएम क्या आएगा हमारा 30, 6, 50, 30 और 10 दिया 30 में, ठीक है, सॉरी 10 दिया 30। अब देखो ए अकेला कितना पानी डाल रहा है, 5 और ये 3 है, कम हो गया, कितने का अंतर है भाई 2 का। यानी सीधी सी बात है, क्या कहना चाह रहा है कि जो बी है ना एक घंटे में कितना पानी निकाल रहा है भाई, 2 लीटर पानी निकाल रहा है। कितनी देर में, एक घंटे में, हमारे इसके अनुसार देखो 2 लीटर पानी निकाल रहा है भाई, कितनी देर में, एक घंटे में 1 लीटर पानी निकालेगा, 1/2 घंटे में 30 लीटर पानी निकालेगा भाई, 1/2 × 30 में काट दो क्या आ गया 15 घंटे में। अब सीधी सी बात देखो, जो बी है ना वो इसको कितनी देर में खाली कर रहा है भाई, 15 घंटे में। 15 घंटे में क्यों, क्योंकि देखो 2 लीटर पानी है जो वो निकाल रहा है। अब ये डाल 5 रहा है टंकी के अंदर, रह कितना रहा है 3 लीटर, तो सीधी सी बात निकल कितना रहा है भाई 2 लीटर निकल रहा है। उसने क्या बोला कि बी है ना जो वो पानी निकाल रहा है, 2 लीटर निकाल दिया एक घंटे में, 1 लीटर आधे घंटे में, 30 लीटर कितनी देर में निकाल देगा, 15 घंटे में निकाल देगा, क्योंकि आधा कर रहा है देखो सीधा सा, 2 1 में 1 आधे में 30 लीटर निकाल दिया भाई 15 घंटे में, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, निकल गया 15 घंटे में। उसके बाद अब इसने क्या बोला कि बी है जो 50 लीटर प्रति घंटा पानी निकालता है, टंकी की क्षमता बतानी है, टाइम आ गया 15, कितना पानी निकाल रहा है एक घंटे में 50 × 15 = 750 लीटर की हमारी क्या होगी भाई टंकी होगी, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखो सेम बात है, पानी डालने में निकालने में कोई भी फर्क नहीं है, आपको क्या करना है सबसे पहले ए को, ए प्लस बी दोनों को लेना है, दोनों को लेने के बाद एक का टाइम निकालोगे आप, जिसकी हमें लीटरों में धारिता या क्षमता दी हुई है उसका हम टाइम निकाल देंगे। टाइम निकालने के बाद जो भी हमें कैपेसिटी दी गई है भाई 50 लीटर की है, 60 की है, 70 की है, 80 की है, 90 की है, 100 की, उस कैपेसिटी को हम क्या कर देंगे टाइम से गुणा कर देंगे, जैसे कि इसमें क्या भाई 50 कितनी देर में, कितने लीटर की टंकी है भाई 750, 50 निकालना रहा था एक घंटे में, ठीक है कितना निकलवाना था 15 घंटे में निकलवाना है, 15 घंटे में कितना निकाल देगा भाई 750 लीटर, तो 750 लीटर हमारा क्या होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है करते हैं अगला भाई, देखिए दो नल ए और बी एक टंकी को 12 व 15 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा नल सी 60 लीटर प्रति घंटा पानी बाहर निकालता है, सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी 10 घंटों में भर जाती है, तो पानी की टंकी की क्षमता क्या है। देखो सेम टाइप भरने की थी, ये क्या है निकालने की, पिछले क्वेश्चन में क्या था दो नल थे, अब कितने नल है भाई 3 नल, यानी कि हमें ए बी के बारे में जानकारी दी हुई है और ए प्लस बी प्लस सी तीनों के बारे में भी जानकारी दी हुई है, सी के बारे में जानकारी हमें क्या करनी है प्राप्त करनी है, हमें निकालनी है। देखिए ए और बी और क्या था ए प्लस बी प्लस सी, सी क्या है भाई निकालने वाला है 12 व 15 घंटों में भर सकते हैं भाई, ठीक है ये 12 में ये 15 में 10 घंटे में, ठीक है भाई 10 घंटे में भर जाती कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लो भाई, सबसे पहले एलसीएम क्या आएगा भाई, एलसीएम आएगा 60 12 5 60 15 6 60 10 6 60। अब एक बात देखो, ए भर रहा है 5 बी भर रहा है 4 दोनों को जोड़ दो कितना भर गया भाई 9 लीटर भर गया, और जब 3 चल रहे तब कितना आ रहा है भाई 6 लीटर, 2 चल रहे 9 लीटर, 3 चल रहे हैं 6 लीटर, कोई ना कोई तो निकालने लग रहा है भाई, कौन निकालने लग रहा है सी कितना निकालने लग रहा है भाई 3 लीटर, कितना 3 लीटर भाई, 3 लीटर कितनी देर में भाई एक घंटे में, सीधी सी बात है देखो जो मैंने आपको बताई 3 लीटर कितनी देर में निकालेगा भाई एक घंटे में, 1/3 घंटे में, और टंकी कितनी है कि हमारी 60 लीटर की, 60 लीटर निकालेगा भाई 1/3 × 60 यानी कि 20 घंटे में भाई। अब इसके बाद 20 घंटे में निकालेगा भाई सी, सी के बारे में जानकारी क्या दी है भाई, जो सी है वो 60 लीटर प्रति घंटा पानी बाहर निकालता है, निकाल देगा भाई कोई दिक्कत नहीं। देखो घबराना नहीं भाई, लैंग्वेज का फर्क, इतना बड़ा क्वेश्चन देखो अपन सोचो यार दोबारा लग रहा है निकालना लग रहा है पता नहीं क्यों, कुछ नहीं सोचना है, जो आपा करने लग रहा है सबसे पहला काम अपना, ठीक है
सबसे पहला काम ये करके इसके बाद फिर ये कौन कितना निकाल रहा, ठीक है वैसे ही है निकालने वाला। देखो दो तो भरे थे, तीसरा भी अगर भरता तो यहाँ वैल्यू क्या होनी थी, नौ थे ज्यादा होनी थी भाई, ये पांच था ये चार था, यहाँ क्या होनी थी नौ से प्लस होनी थी, क्योंकि तीसरा एक और नल चलाया गया साथ में, नौ से कम थोड़ी ना, चाहे पॉइंटों में ज्यादा हो तो कुछ ना कुछ डालेगा तो ज्यादा ही होगी, ठीक है जब नल चल रहा है तो कम हो रही है, इसका मतलब क्या कर रहा है नल निकाल रहा है, फिर निकालने तो कोई दिक्कत नहीं, तीन लीटर निकाल रहा है एक घंटे में, एक लीटर निकालेगा एक बटे तीन घंटे में, साठ लीटर निकालेगा एक बटे तीन गुना साठ यानी कि 20 घंटे में निकाल देगा भाई, ठीक है 20 घंटे नल चला भाई, एक घंटे में कितना पानी निकाल रहा है भाई, 7 लीटर निकाल रहा है, 60 को 20 से गुणा करोगे क्या आ गया 1200 लीटर, यानी टंकी हमारी कितनी की है भाई 1200 लीटर, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है भाई घबराना नहीं है भाई, कभी खट्टर और भी डर जो, क्योंकि खट्टर साहब है मोदी साहब डरे हुए हैं बहुत, राहुल से डर लगता है इनको, कहीं राहुल ना आ जाए, राहुल ना आ जाए, इनके दो पुत्र हैं अंडानी और अंबानी, ठीक है। देखो भाई अगला एक हमें हमारे जो देश के मुख्य चेहरा बना हुआ है आज के दिन अमित शाह जी बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन हैं, ठीक है देखो भाई इलेक्शन है अगले साल क्या होता है क्या नहीं होता, मैं देखूंगा वैकेंसी मिलेंगे चाहिए सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो कुछ भी हो, अपने को क्या नौकरी मिलो, नौकरी के बिना कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है नौकरी बिना छोकरी नहीं है, छोकरी बिना आगे फ्यूचर नहीं है भाई, बाल बच्चे नहीं होंगे नुए मरोगे रंडे, ठीक है भाई। देखो अगला क्वेश्चन, नल ए एक टंकी को 15 घंटे में भरता है, नल बी 50 लीटर प्रति घंटा पानी बाहर निकालता है, दोनों नलों को एक साथ खोलने पर पूरी भरी हुई टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। अब यहाँ लैंग्वेज देखो ध्यान से पढ़ो, अब इसने क्या हुआ भरी हुई टंकी क्या हो जाती है खाली हो जाती है, भरी हुई टंकी क्या हो रही है भाई खाली हो रही है, ना कि टंकी को भर रहे हैं, ठीक है भरी हुई टंकी भी हमें क्या करेंगे भाई खाली करेंगे, टंकी में पहले से कोई भी पानी हो ना हो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसने क्या बोल दिया कि ये जो है भरी हुई टंकी को खाली कर रहा है, यानी बी जो है वो एक तरह डालेगा ना बी पानी उससे ज्यादा निकाल लेगा, ठीक है देखो क्या है, ए भरी हुई टंकी को 15 घंटे में, दोनों नलों को एक साथ खोलने पर भरी हुई टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है, ए प्लस बी यानी कितना 10 भाई, एलसीएम लोगे कितना आएगा 30 अब देखो पानी जा रहा था 2 लीटर निकल रहा है कितना भाई 3 लीटर। अब यहां पे देखो पजलिंग बात जो होगी, वो क्या होगी भाई, यहां पे पजलिंग बात ये होगी, आप इसको पहले इन दोनों को घटाते थे, इन दोनों का अंतर लगे दिखते ना भाई एक आ गया, अब यहां एक नहीं होगा भाई, एक क्यों नहीं होगा क्योंकि यहां जो टंकी है ना भरी हुई भी खाली हो रही है, टोटल तीन तो ये निकल रहा है भाई, दो तो जो डल रहा है वही निकल रहा है और तीन और क्या है वो एक्स्ट्रा निकल रहा है, जब दोनों चलेंगे तो कितना निकल रहा है तीन और एक्स्ट्रा, यानी इन दोनों को हम जोड़ेंगे कितना निकल रहा है भाई, जो 5 लीटर पानी है ना वो निकल रहा है कितनी देर में 1 घंटे में। अगर भरी हुई को खाली करने की बात करेगा तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे वो पानी खाली होगा, ये बात हमेशा याद रखोगे कि जब भी भरी हुई की बात करेगा तो इन दोनों को जोड़ेंगे ना कि इन दोनों का अंतर देखेंगे। अब कितना पानी निकल रहा है देखो, तीन तो ये निकालेगा जो ज्यादा होगा और दो ये कितना निकालेगा भाई 5 लीटर पानी निकालेगा, कौन निकालेगा नल बी निकालेगा, ठीक है 5 लीटर पानी नल निकालेगा कौन सा बी, 1 लीटर निकालेगा कितनी देर में भाई 1/5 घंटे में, निकालना कितना है भाई 30 लीटर, 30 लीटर कितनी देर में निकाल देगा भाई 1/5 × 30 कितना आ गया भाई 6 घंटे में, ठीक है जो बी नल है वो टंकियों कितनी देर में खाली कर देगा 6 घंटे में, और टाइम में देखो 6 घंटे में खाली कर देगा, लेकिन 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है 50 लीटर, तो मैंने जो आपको बताया हम वही तरीका लगाएंगे 50 × 6 बराबर कितना आ गया भाई 300 लीटर, 300 लीटर की क्या है हमारी टंकी है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा भाई, ठीक है ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है ना। एक चीज याद रखो कि जब भी भरी हुई टंकी को खाली करने की बात करेगा तो ए प्लस बी या ए बी प्लस सी, तीनों नल चार नल जितने भी होंगे उनको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है सबसे पहले हम क्या करेंगे उनको जोड़ देंगे, ठीक है इसमें हम अंतर नहीं लेंगे, और जो पानी भरने वाली बात है उनमें लेंगे, क्योंकि देखो भरी हुई टंकी, ठीक है टंकी भर गई भाई, भरी हुई टंकी है उसको खाली करेगा, ये तो इन दोनों को मिलने के बाद की क्षमता निकाल रहा है तीन, तो अगर ये ना होना तो ये दो भी तो निकालेगा, तीन कब निकाल रहा है जब दो डल रहा है साथ में, तब कितना निकाल रहा है तीन, अगर दो ना डले तो कितना निकालेगा भाई
5 लीटर निकालेगा तभी हम इन दोनों क्या करते हैं जोड़ते हैं। ठीक है, अभी इसमें देखो बी के साथ कौन है, ए है, ए कितना डाल रहा है, दो डाल रहा है, तभी टंकी में से कितना कम हो रहा है भाई, 3 कम हो रहा है, ठीक है ना, तभी इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद हमारा क्या आएगा भाई 5 लीटर। ठीक है, तैयारी के जुटे रहो भाई, अगले साल एक और अभी दोबारा से नोटिस आ गया भाई, जनवरी या फरवरी में दोबारा से सीईटी का एग्जाम होगा। सीईटी का एग्जाम होने के बाद जो भी सीईटी की पोस्टें हैं रुकी हुई हैं उनका फिर पेपर होगा, पहले सरकार सीईटी लेगी फिर आगे पेपर होगा, उससे पहले किसी भी 56-57 का पेपर हो चुका है, उसके अलावा और किसी का भी पेपर नहीं होगा। हाँ, ग्रुप डी है भाई, ग्रुप डी की 15 दिसंबर से पहले पहले ज्वाइनिंग संभव है। ठीक है, ग्रुप डी की 15 दिसंबर से पहले पहले ज्वाइनिंग की संभावना है भाई, करवा देंगे क्योंकि इनको वोट चाहिए भाई। बाकी जो सीईटी ग्रुप सी है जैसे कि हरियाणा पुलिस या कलर्क वगैरह, सॉरी कलर्क वगैरह तो भाई 56-57 में आ गए हो, तो जो ग्रुप हमारे इसके अलावा हरियाणा पुलिस है या फिर और जो रोडवेज वगैरह की वैकेंसीज हैं, ठीक है, टीचरों की जो वैकेंसीज हैं वो किस पे आएंगी, सीईटी ग्रुप सी होगा पहले, एचकैट होगा और उसके बाद हमारी जो है वैकेंसियां आएंगे भाई, ये मान के चलो आप अप्रैल तक सभी के सभी पेपर्स ले लिए जाएंगे। ठीक है, तो तैयारी के जुटे रहो भाई अच्छे से, बिल्कुल हरियाणा में नौकरी मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है भाई, आपकी आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। ठीक है, और इसी के साथ भाई हमारा नल और टंकी यानी पाइप एंड सिस्टम का चैप्टर भी कंप्लीट होता है, इसी के बाद हम मिलेंगे दोस्तों अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे भाई औसत यानी कि एवरेज का। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कोई दिक्कत है तो आप भाई ऑनलाइन भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हो, या फिर अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो आप ऋषि नगर गली नंबर 1 में वंदे मातरम अकेडमी के नाम से अपना इंस्टीट्यूट है भाई, वहां पे आके भी आप अपनी प्रॉब्लम्स ले सकते हो, क्लासेस लगा सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एवरेज। ओके दोस्तों, बाय।